सभी को नमस्कार। जनपद अभियांत्रिकी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी अभी 2500 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है, जिसमें हमने कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो होप्स आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सैंड इफ द सैंड इन सिटू इज इन इट्स डेंसेस्ट स्टेट। ठीक है, तो यहां पे हमें सैंड किसमें दे रखी है? डेंसेस्ट स्टेट में। ठीक है, तो डेंसेस्ट स्टेट के लिए सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि रिलेटिव डेंसिटी हमारी होती क्या है। रिलेटिव डेंसिटी या फिर डेंसिटी इंडेक्स, जो कि हमारे रिलेटिव कॉम्पैक्शन को बताती है। ठीक है, ये किसको बताती है? रिलेटिव कॉम्पैक्शन को। कब? जब हमारी सॉइल ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, मैथमेटिकली जो इसका रिप्रेजेंटेशन है वो तो कुछ इस तरह से। ई मैक्स का मतलब है मैक्सिमम वॉइड रेशियो। ठीक है, ई का मतलब है नेचुरल वॉइड रेशियो। ठीक है, और यहां पे ई मिनिमम का मतलब है मिनिमम वॉइड रेशियो। ठीक है, तो ये हमें रिलेटिव कॉम्पैक्शन बताता है कि जब मैक्सिमम और मिनिमम वॉइड रेशियो के बीच का डिफरेंस होगा उसका नेचुरल के साथ में। ठीक है, नेचुरल वॉइड रेशियो के डिफरेंस के साथ में कितना रेशियो आता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? हमारे डेंसिटी इंडेक्स या फिर रिलेटिव कॉम्पैक्शन। इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी आती है? मैक्सिमम इसकी वैल्यू आती है 1 और मिनिमम इसकी वैल्यू आती है 0। ठीक है, 0 से लेकर 1 तक इसकी वैल्यू आती है। 1 का मतलब है ये डेंसेस्ट स्टेट में है। ठीक है, क्योंकि अगर वॉइड रेशियो बढ़ता है, यहां पर ऊपर की क्वांटिटी बढ़ती है, ई का मान बढ़ता है, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 0 की ओर चला जाएगा, क्योंकि मैक्स में से कुछ बड़ी क्वांटिटी को माइनस करेंगे तब क्या होगा? नीचे जो क्वांटिटी है, मान लेते हैं ये वैल्यू कितनी थी, ई मैक्स था 10 हमारा, ई मिनिमम कितना है 5 और ई कितना है एक बार 7 मान लेते हैं। तो 10 में से 7 गए इधर, ऊपर बचे 3 और नीचे आ गए 5, तो 3/5 रेशियो आया। लेकिन अगर मैं इसे इस तरह कर देता हूं कि ई की जगह 5 ही आ गया, क्योंकि ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ई मिनिमम को ही, मिनिमम वॉइड रेशियो को ही। ठीक है, तो भी कितना आ जाएगा? ऊपर भी 5 नीचे भी 5, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जब वॉइड रेशियो मिनिमम होगा, यहां पर वॉइड रेशियो जो नेचुरल वॉइड रेशियो मिनिमम होगा, तब तो हमारी सॉइल क्या होगी? डेंस स्टेट में होगी। और वॉइड रेशियो अगर मैक्सिमम होता है तो यहां पर 0 आ जाएगा, मतलब लूजे स्टेट में हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे को इसने क्या बोल रखा है? डेंसेस स्टेट में। तो डेंसेस स्टेट के लिए वॉइड रेशियो कितना होना चाहिए? 1। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहां पर हम पढ़ेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी, हमारा जो रिलेटिव कॉम्पैक्शन था, इसमें कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू रहती है, उनके लिए सॉइल को बोला जाता है कि लूज सॉइल, वेरी लूज सॉइल। ठीक है, तो वो आप लिख सकते हैं। यहां पर लिखूंगा मैं रिलेटिव डेंसिटी, जिसको डिनोट किया था हमने आईडी से, जिसका फॉर्मूला था ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। और यहां क्या लिखेंगे हम? सॉइल का टाइप, की किस टाइप की सॉइल है। जब हमारे आईडी की वैल्यू 0 से लेकर 0.15 के बीच में रहती है, तब तो हम उसे बोलेंगे वेरी लूज सॉइल। ठीक है, और जब इसकी वैल्यू 0.15 से लेकर 0.35 के बीच में रहती है, तब हम इसे बोलेंगे लूज सॉइल। 0.35 से 0.65 के बीच में हम इसको बोल देंगे मीडियम सॉइल। ठीक है, 0.65 से 0.85 तक डेंस सॉइल, और 0.85 से लेकर 1 तक ये कौन सी हो जाएगी हमारी? वेरी डेंस सॉइल। और डेंसेस्ट के लिए क्या हो जाएगा यहां पर? 1। और वैसे आपको बता दें, ये तो क्या था? थ्योरेटिकल वैल्यू होती है हमारी रिलेटिव डेंसिटी की। जो हमारे पास प्रैक्टिकल वैल्यू आती है वो 0 से लेकर 1 तक नहीं आती, वो आती है 0.35 से लेकर 0.91 तक। ये आईडी की क्या है? प्रैक्टिकल वैल्यू से। ठीक है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं, काफी काम किया, कई बार पूछी भी जाती है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, कोहेजनलेस सॉइल आर, ठीक है,
कि कोहेजनाइज सॉइल कौन सी होती है, सैंड होती है, क्ले होती है, सिल्ट होती है या फिर सैंड एंड क्ले होती है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कोहेजन का मतलब क्या होता है। दो चीजें होती है, एक तो होता है एडेशन, एक होता है कोहेजन। एडेशन का मतलब है जैसे मैंने मार्कर चलाया, ये इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर चिपक गया, ये तो किस फिनोमेना से चिपका है, एडेशन से। और कोई चीज आपस में ही इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस से जुड़ती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, कोहेजन। ठीक है, तो इसने बोला ऐसी कौन सी सॉइल है जो आपस में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस थोड़ी जुड़ी रहती है, तो वो होती है हमारी क्ले और सिल्ट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, पार्टिकल का साइज छोटा होने के कारण इनके ऊपर लगने वाले जो सरफेस अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, जो इनके सरफेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस लग रहे हैं वो डोमिनेट हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक तो सरफेस अट्रैक्शन फोर्सेस और दूसरे होते हैं हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस किसके ऊपर लगते हैं, मास के ऊपर, मतलब किसी चीज का मास जितना ज्यादा होगा उसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतना ज्यादा होगा। लेकिन जैसे पार्टिकल का साइज छोटा हुआ तो क्या हो जाएगा, इनके ऊपर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं ये तो क्या हट जाएंगे, इनका इतना सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, लेकिन सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं जो वो डोमिनेट करने लग जाएंगे। इसलिए पार्टिकल है ये जो, ठीक है, इनके बीच में कोहेजन लगता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ये। ठीक है, और जो हमारी सैंड है वो क्या होता है, उनके साइज के उनका पार्टिकल साइज होता है थोड़ा बड़ा रह जाता है, उनके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस को डोमिनेट कर जाते हैं, इसलिए उनके बीच में कोहेजन नहीं इतना आ पाता, वो कोहेजनलेस सॉइल कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, अ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल है, हैज अ यूनिट वेट ऑफ 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पार्शियली सैचुरेटेड मतलब कि हमने हमारे जो पिछले एमसीक्यू सीरीज वाले क्वेश्चन थे उसमें किया था, पार्शियली सैचुरेटेड का मतलब फेज डायग्राम होता है कि इधर तो हमने क्या ले लिए, सॉइल सॉलिड। ठीक है, ये सॉलिड फेज, उसके अंदर लिक्विड रहता है, लिक्विड की फॉर्म में यहां पर क्या है, वॉटर। ठीक है, और सबसे ऊपर क्या है, एयर। ठीक है, तीन फेज है हमारे पास, इसलिए उसको क्या बोला था, थ्री फेज डायग्राम इसने बोल दिया। और इसको थ्री फेज डायग्राम वाले को ही हम क्या बोल देते हैं साथ में, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, थ्री फेज डायग्राम वाले को हम क्या बोलते हैं, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। हमारे को वैल्यूज क्या दे रखी है, कि इसका यूनिट वेट मतलब गामा दे रखा है हमें, गामा सॉइल दे रखा है, लिख लेते हैं, तो वो दे रखा है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे दिया। उसके बाद इसने बोला है एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल पार्टिकल, मतलब कि जी हमें दे रखी है 2.6, इफ द मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉइल इज 20%, मतलब W इज इक्वल टू 20% मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है हमारा, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, ना कि वॉल्यूम। ठीक है, ये वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड का परसेंटेज रेशियो रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज, मतलब कि हमें एस की वैल्यू बतानी है, जो कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या कहलाती है, वॉल्यूम ऑफ वॉटर टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉइड्स। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यूनिट वेट आपको कैसा भी दे रखा हो, चाहे बल्क यूनिट वेट दे रखा हो, ड्राई यूनिट वेट दे रखा हो, सैचुरेटेड दे रखा हो, सबमर्ज दे रखा हो, फॉर्मूला आपको एक ही याद रखना है। ठीक है, कौन सा याद रखोगे, गामा जो हमारा है वो इक्वल होता है जी प्लस एसी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, जिसमें देखिए क्या बल्क यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हमारा सैचुरेशन। ठीक है, और ई हो गया हमारा वॉइड रेशियो, उसके बाद गामा डब्ल्यू हो जाता है हमारा यूनिट वेट ऑफ वॉटर, जो कि अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेना है तो ये कितने किसके बराबर होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है, उसके बाद हमें इसने पूछ लिया कि ये दो, तो वापस ये ई नीचे ले लिया हमने हमारा वॉइड रेशियो। ठीक है, और वॉइड रेशियो किसके बराबर था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसमें एक और फॉर्मूला हमारे पास होते हैं, ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी, ये सबसे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो हमारे को जो जो वैल्यूज दे रखी है, जैसे यहां पर हमें इसने क्या पूछा, सैचुरेशन पूछा है, तो हम क्या कर देंगे, ई को इधर से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे को ई की वैल्यू दे ही नहीं रखी इसमें, तो ई की जगह हम क्या रखेंगे, डब्ल्यू जी अपॉन में एस, एस को इधर लेंगे। ठीक है,
तो ई की जगह जब आप रखेंगे डब्ल्यू जी अपॉन एस, ठीक है, इधर तो एस एस कैंसिल, और यहां पर हमें क्या क्या दे रखा था, डब्ल्यू वॉटर कंटेंट दे रखा है, जी दे रखा है, गामा सॉइल का दे रखा है। जब आप इन सबकी वैल्यू रखेंगे और गामा डब्ल्यू आपको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब स्टैंडर्ड मानकर चलना है, जब इन सबकी वैल्यू रखेंगे तब आपके पास सेचुरेशन आ जाएगा यहां से 0.92, ठीक है, ये रेशियो में परसेंटेज में डिनोट करना है तो 92%, और इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंड व्हेन वॉटर इज एडेड टू इट इज कॉल्ड, कि सॉइल का जो ड्राई वॉल्यूम है जब उसमें थोड़ा सा पानी मिला देते हैं तब उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, इस फिनोमेना को हम कहते क्या है, तो ये फिनोमेना कहलाता है बल्किंग ऑफ सैंड। ठीक है, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, बल्किंग ऑफ सैंड। तो जो सॉइल के पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर पानी सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस के कारण इस तरह से एक लेयर बना लेता है, ठीक है, और ये जो पानी की लेयर होती है आपस में एक दूसरे को रिपेल करती है। ठीक है, तो इस लेयर के रिपल्शन के कारण वॉल्यूम है हमारा सॉइल का इंक्रीज हो जाता है, उस फिनोमिना को हम क्या कह देते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड। ये जनरली होता है 4 से 7% के वॉटर कंटेंट पर, ठीक है, और पेपर में अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड कब होती है तो इसके बीच में कोई ऑप्शन होगा, जनरली मान लीजिए कि 5% है तो उसे आप टिक कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा हमारा बल्किंग ऑप्शन नंबर बी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ, जो सैंड होती है हमारे उसके पार्टिकल किस चीज के बने होते हैं, तो हमारे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, रॉक मिनरल, केओलाइट, इलाइट, मोंट मोरिलोनाइट। तो जो पहला ऑप्शन है रॉक मिनरल, वो तो होता है सैंड के लिए, क्योंकि जो हमारी सैंड फॉर्म होती है वो फॉर्म होती है फिजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, कि कोई रॉक ले ली इस तरह से, हमने इसको घिस लिया चाहे पानी से, हवा से, किसी तरीके से इसको वेदर करने की कोशिश की, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दिया, तो हमारे पास क्या फॉर्म होती है, सैंड। इसलिए सैंड की जो प्रॉपर्टी होती है उसके पेरेंट रॉक के एक जैसी ही होती है। उसके बाद अगर हम बाकी तीन ऑप्शन की बात करें तो ये तीनों केओलाइट, इलाइट और मोंटमोरिलोनाइट, ये हमारे पास क्या होते हैं, क्ले मिनरल कहलाते हैं। ठीक है, और क्ले जब भी फॉर्म होती है याद रखना हमेशा केमिकल वेदरिंग के थ्रू फॉर्म होती है। केमिकल वेदरिंग का मतलब है कि ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, कार्बोनेशन होगा या फिर हाइड्रोलाइसिस वगैरह होगा, उसके एक्शन से जब कोई रॉक से हमारे पास कोई सॉइल फॉर्म हो रही है तब हम उसे क्या कह देते हैं, हमारी क्ले। और केमिकल थ्रू हो रही है ये, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है, और आपको पता है केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है, इसलिए यहां पर इसकी जो प्रॉपर्टी होती है क्ले की, इसकी पेरेंट रॉक से डिफरेंट होती है। और जो तीनों मिनरल दे रखे हैं हमारे पास, केओलाइट, इलाइट और मोंटमोरिलोनाइट, इसमें जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका होता है, तो हम बात करेंगे मोंटमोरिलोनाइट। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, सेंसिटिविटी ऑफ अ सॉइल कैन बी डिफाइंड एज, हालांकि हमने हमारे पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था सेंसिटिविटी और थिक्सोट्रोपी क्या होती है, तो ये रहती है हमारी रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनकंफाइंड अनडिस्टर्ब्ड सॉइल। ठीक है, सेंसिटिविटी को डिनोट करते हैं एस से। ये क्या रहती है, जब हमारी अनकंफाइंड सॉइल हो, ठीक है, हमने उसको कंफाइन नहीं किया, ऊपर से प्रेशर नहीं लगाया और ना ही उसको कंप्रेस किया है, ठीक है, ना उसको डिस्टर्ब किया हमने, अनकंफाइंड अनडिस्टर्ब, कि जैसा इसका नेचुरल फॉर्मेशन था वैसी सॉइल थी, उसका रेशियो निकाला जाता है डिस्टर्ब सॉइल के साथ में, डिस्टर्ब सॉइल की स्ट्रेंथ के साथ में इसका रेशियो निकाला जाता है, और ये रेशियो क्या कहलाता है, सेंसिटिविटी कहलाता है। अब होता क्या है, क्ले के पार्टिकल फ्लेकी पार्टिकल होते हैं, ठीक है, इसके जो फेस पे अलग चार्जेस होते हैं और जो साइड्स होती है उसके ऊपर अलग चार्जेस होते हैं, तो क्ले जब होती है इस तरह से इसका प्लस है, यहाँ के सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस के माइनस से जुड़ा रहता है, इस तरह से आर्च ब्रिज की स्ट्रक्चर बना के रखती है। ठीक है, जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ब्रिज टूट जाता है। ठीक है, इस ब्रिज के टूटने के कारण इसकी स्ट्रेंथ में ड्रास्टिक डिक्रीज आता है, इसलिए
जब अनडिस्टर्ब होती है तब उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, डिस्टर्ब होती है स्ट्रेंथ कम होती है, रेशियो में कुछ फर्क आता है और उस रेशियो को हम क्या कह देते हैं, हमारा सेंसिटिविटी। और सेंसिटिविटी जितनी ही ज्यादा होगी हमारी सॉइल की, डिस्टर्ब की स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट कि सेंसिटिविटी क्या होती है, रेशियो ऑफ कंफाइंड स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनकंफाइंड अनडिस्टर्ब सॉइल टू दैट ऑफ सॉइल इन रीमोल्डेड स्टेट। कि डिस्टर्ब को कई बार हम क्या बोल देते हैं, रीमोल्डेड भी कह देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ अ नेचुरल सॉइल डिपॉजिट हैविंग वॉटर कंटेंट 15% स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 एंड वॉइड रेशियो 0.5 इज। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन को डिनोट करते हैं हम S से। ठीक है, वॉइड रेशियो को डिनोट करते हैं E से, वॉटर कंटेंट को W से, और G होता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। डिग्री ऑफ सेचुरेशन तो क्या बताया था हमने, वॉल्यूम ऑफ वॉटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन परसेंटेज। S क्या रहता है हमारा, सॉरी E क्या रहता है हमारा, वॉइड रेशियो, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉटर कंटेंट क्या रहता है, वेट ऑफ वॉटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है कि इसका वेट लेंगे किसी सॉलिड का और किसी वॉटर का वेट लेंगे और दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। बराबर वॉल्यूम के लिए किसी चीज का वेट का रेशियो जब निकाला जाता है हमारे वॉटर के वेट के रेशियो के साथ में, तब हम उसे क्या कह देते हैं, हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इन सबके बीच में एक रिलेशन होता है, काफी अच्छा रिलेशन है ये और काफी इंपॉर्टेंट भी है, ES equals to WG। मेरा सजेशन है इसे तो आप याद ही कर लें, काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार कभी ना कभी पूछ लिया जाता है किसी फॉर्म में, वरना इसका यूज तो होगा ही। तो इसमें हमें वैल्यूज क्या क्या दे रखी है, वॉइड रेशियो इसने दे रखा था 0.5, वॉटर कंटेंट दे रखा था इसने 15%, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 2.5, तो अननोन क्या है S, तो रख के देखते हैं। और याद रखना जितनी भी वैल्यूज यहां रखेंगे परसेंटेज में नहीं रेशियोज में रखेंगे, अगर 15% है, परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड किया तो रेशियो में क्या बन गया 0.15, तो यहां रखा 0.15, जी की जगह 2.5, इधर एस है, ई को इधर बटा में लेके आ गए, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5, पॉइंट से पॉइंट हटाया यहां 5 आ गया, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.75, मतलब की 75%। ठीक है, 75% के लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, उसे हम टिक कर देंगे। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बोयंट यूनिट वेट इक्वल्स द सैचुरेटेड डेंसिटी। ठीक है, तो बोयंट यूनिट वेट क्या होता है, बोयंट यानी कि सबमर्ज्ड, बोयंट यानी कि सबमर्ज्ड। तो क्या होता है, जब किसी कंटेनर में पानी भरा हुआ है उसमें हम सॉइल पार्टिकल या किसी भी पार्टिकल को ऐसे डुबाने की कोशिश करते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोयंट फोर्स, जो कि इसके वेट को डिक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, और ये इक्वल किसको होता है, जो हमने जितने वॉल्यूम ऑफ वॉटर को डिस्प्लेस किया है। ठीक है, उसके बाद बोयंट यानी कि सबमर्स वेट ऑफ सॉइल की बात करूं तो इसको हम डिनोट करते हैं गामा सबमर्स, ये बराबर होता है सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस में यूनिट वेट ऑफ वॉटर के। ठीक है, जब तक सॉइल सैचुरेटेड है तब तक तो यूनिट वेट उसका बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे ही पानी ज्यादा हुआ सॉइल सबमर्स होगी तब हम क्या करेंगे, इस गामा डब्ल्यू को माइनस कर देंगे और ये क्या हो जाएगा हमारा सबमर्स यूनिट वेट ऑफ सॉइल, या फिर इसको और क्या कह दिया जाता है, बोयंट यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा कि बोयंट यूनिट वेट इक्वल्स का सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वॉटर, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा यहां पर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, द वेट ऑफ ए कंटेनर इज डब्ल्यू वन, कि कंटेनर वेट तो कितना दे रखा है हमें डब्ल्यू वन। ठीक है, उसके बाद कंटेनर विद सॉइल सैंपल और कंटेनर प्लस सॉइल ये कितना दे रखा है डब्ल्यू टू। डायग्राम से समझते हैं, कंटेनर हो गया डब्ल्यू वन, कंटेनर में सॉइल डाल दी तो इसका वेट हो जाएगा डब्ल्यू टू। ठीक है, एक था वेट ऑफ
कंटेनर एंड ओवन ड्राइड सोइल। तीसरा क्या हो जाएगा, कंटेनर है लेकिन उसमें सोइल क्या है, ड्राइड सोइल है, ओवन ड्राइड है, उसका वेट कितना हो गया W3। ठीक है, तो हमसे इसने पूछा क्या है कि वॉटर कंटेंट मॉइस्चर कंटेंट सोइल का क्या होगा। तो मॉइस्चर कंटेंट हमें पता है W बराबर होता है वेट ऑफ वॉटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड तो नीचे हमारे पास कितना है, परसेंटेज में डिनोट करना, तो मल्टीप्लाई 100 भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही क्या है, हमारे पास वेट ऑफ वॉटर है, यानी कि ये इसमें क्या क्या था, सॉइल थी, वॉटर था उसके अंदर और कंटेनर था। तो मतलब W2 में से हम क्या कर देंगे, कंटेनर और सॉइल का वेट निकाल देंगे तो बचेगा हमारे पास पानी। तो नीचे क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड आ जाएगा, जो कि क्या है, पूरी ड्राइड सॉइल में से एक हमने W1 को माइनस कर दिया, कंटेनर को हटा दिया, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे कि W2 माइनस W3 और W3 माइनस W1 कौन सा है, तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, तो उसे हम टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, इफ W1, W2, W3, W4 आर सिक्वेंशियल वेट ऑब्टेंड ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन इन पिक्नोमीटर, मेथड फॉर डिटरमाइनिंग वॉटर कंटेंट द फॉर्मूला टू बी यूज्ड इज। तो पिक्नोमीटर तो एक हमारा डिवाइस रहता है जो कि किसके काम आता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और वॉटर कंटेंट को मेजर करने के। तो एक चीज तो आप ये लिख सकते हैं कि पिक्नोमीटर किसके काम आता है, टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम किसे डिनोट करते हैं, जी से, और साथ में वॉटर कंटेंट जिसको किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल W से। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, पिक्नोमीटर के अंदर चार ऑब्जर्वेशन की जाती है। ठीक है, कंटेनर एक ही रहता है, सबसे पहले खाली कंटेनर लिया जाता है, हालांकि पिक्नोमीटर डिवाइस हो पर इस मेथड को आप किसी भी कंटेनर के साथ यूज कर सकते हैं, चाहे कैसा भी कंटेनर हो, घर वाला कोई ड्रम वगैरह भी यूज किया, छोटा गिलास यूज कर ले, तब भी ये मेथड सही रह जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि हमने एक कंटेनर लिया, खाली कंटेनर का वेट W1, उस कंटेनर में हमने पार्शियली सैचुरेटेड सोइल या फिर जिस सोइल का हमें वॉटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है उसे डाल दिया, उसका वेट हो गया हमारे पास W2। अब तीसरा क्या किया, इसमें पूरी तरह से पानी भर दिया। ठीक है, पूरा इसको पानी से फिल कर दिया, फिर इसका वेट है W3, और अब सोइल को खाली करके इस पूरे कंटेनर में पानी भर दिया और इसका वेट क्या आ जाएगा, W4। ठीक है, तो इस तरह से चार ऑब्जर्वेशन की जाती है, और अब वॉटर कंटेंट को निकालना है तो W किसके बराबर होता है, W2 माइनस W1 अकाउंट में क्या आ जाएगा, W3 माइनस W4, मल्टीप्लाई करेंगे G माइनस 1 अपॉन G, टोटल को माइनस से 1 करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। ठीक है, याद करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से सीरीज में चल रहे हैं, मतलब 1 2 3 4। ठीक है, यूं चले कि काउंटिंग ही करें, 1 2 3 4, और आगे G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1 करके 100 से मल्टीप्लाई करना है, और इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉटर का परसेंटेज मतलब मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी को हम टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, द डेंसिटी ऑफ ए सॉइल कैन बी इंक्रीज्ड। ठीक है, कि सॉइल की जो डेंसिटी है उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डेंसिटी होती क्या है। तो डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो अगर किसी चीज की डेंसिटी बढ़ानी है, या तो उसके मास को बढ़ा दो या उसके वॉल्यूम को डिक्रीज कर दो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, बाय रिड्यूसिंग द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एयर, मतलब कि हम वॉल्यूम को कम करें तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड है हमारा बाय इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ सॉइल ग्रेन। ठीक है, कि मतलब सॉइल ग्रेन का अगर हमने कंप्रेशन कर दिया, इलास्टिक कंप्रेशन का ये मतलब है हम सॉइल ग्रेन को वैसे तो कंप्रेस नहीं कर सकते, उसका एक तरह से रीअरेंजमेंट ही चेंज करेंगे, तो वैसे करेंगे तो भी उसके वॉल्यूम में डिक्रीज आएगा, तभी क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी। एक्सपेलिंग वाटर फ्रॉम पोर्स, कि अगर फोर्स से वाटर को अगर बाहर निकाल देंगे, मतलब एक प्रकार से हम कंसोलिडेशन कर देंगे, तब भी क्या हो जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वॉइड रेशियो इज 0.67, वॉटर कंटेंट इज 0.188 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.68 द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसमें क्या फॉर्मूला यूज होता है, ES = WG, काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको दोबारा करवा रहा हूं। एक इसके टाइप का और,
ठीक है। ई तो कितना दे रखा है हमें 0.67 यानी कि वॉइड रेशियो, हमें एस को तो निकालना है डिग्री ऑफ सैचुरेशन को, डब्ल्यू हमें दे रखा है 0.188 और जी कितना दे रखा है हमें 2.68, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एस उधर ले जाएंगे, उसको सोल्व करेंगे, हमारे पास एस की वैल्यू यहां से आ जाएगी, तो यहाँ एस की वैल्यू आएगी हमारे पास 75%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, द यूनिफॉर्मिटी कोफिशियंट ऑफ सॉइल विद यूजुअल रिलेशन, द यूनिफॉर्मिटी कोफिशियंट ऑफ सॉइल विद यूजुअल नोटेशन इज डिफाइंड एज, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के कोफिशियंट होते हैं, एक तो होता है हमारा यूनिफॉर्मिटी कोफिशियंट जिसको हम सी यू से डिनोट करते हैं, और एक होता है हमारा कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। दोनों ही सॉइल से रिलेटेड है, एक को तो बोला सी यू एक को बोला सीसी, तो सी यू की तो वैल्यू होती है इक्वल टू डी 60/D10। यहां पे 60 और 10 का मतलब है ये जो साइज है कोई, ठीक है, इस साइज से 60% पार्टिकल छोटे हैं और इस साइज से 10% पार्टिकल छोटे हैं, ठीक है। और D10 को हम साथ में क्या बोल देते हैं, इफेक्टिव साइज भी कह देते हैं, कि ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाता है आपसे इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल क्या होता है हमारा, तो होता है D10। और D60 का क्या मतलब है, 60% पार्टिकल फाइनर बाय दिस, इससे छोटे हैं 60% पार्टिकल। और अगर कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर आपसे पूछ लिया जाए तो वो किसके इक्वल होता है, D30 के स्क्वायर के अपॉन में D60 × D10, ठीक है। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, जनरली से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है या फिर डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, और या फिर पूछते हैं कि इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल क्या होता है, तो वो बताएंगे हम D10, ठीक है। तो यहां पर टिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, इफ द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ अ सोइल सैंपल इज इक्वल टू यूनिटी इट इज एट, ठीक है, तो ये लिक्विड लिमिट पर होगा, प्लास्टिक लिमिट पर होगा, श्रिंकेज लिमिट पर होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये जो लिमिट्स वगैरह मैं ऑलरेडी हमारे पुराने लेक्चर में समझा चुका हूं, तो जिन्हें ये नहीं समझ आ रहा लास्ट लेक्चर को आप पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको यहां भी दिख जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होती है, इसको डिनोट करते हैं हम आईसी से, और ये क्या होती है, WL − WP। ये तो नीचे वाली चीज तो आपको क्या दिख रही है, हमारी प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बराबर, ठीक है। ये क्या है हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और ये रह जाता है लिक्विड लिमिट, WL मतलब लिक्विड लिमिट है हमारी, W है नेचुरल वाटर कंटेंट, ठीक है, और WP क्या हो जाएगी हमारी प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। और इस पूरे रेशियो को हम क्या कह देते हैं, हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स। इसने बोल दिया कंसिस्टेंसी इंडेक्स है जो, उसको तो हो गया यूनिटी, मतलब कि वन। वन कब हो सकते हैं, जब नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू बराबर हो जाए, मतलब W किसके इक्वल हो जाए, W P के इक्वल हो जाए, राइट। तो W जब WP के इक्वल होगा मतलब प्लास्टिक लिमिट पर होगा, तब क्या हो जाएगा, इट इज एट प्लास्टिक लिमिट। ऑप्शन नंबर बी को हम यहां पर टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, लिक्विडिटी इंडेक्स इन परसेंटेज इज इक्वल टू, ठीक है। तो लिक्विडिटी इंडेक्स भी एक तरह की कंसिस्टेंसी इंडेक्स की तरह ही होती है, इसको डिनोट करते हैं आई एल से। नीचे तो क्या रखेंगे, वापिस वही प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है, मतलब कि WL − WP। ऊपर क्या रखना है हमारे को, W − WP, ठीक है। और परसेंटेज में डिनोट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा, W − WP / IP, यानी कि ये क्या, किसको डिनोट करता है पूरा, आईपी यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स को। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी को हम टिक कर देंगे। अब हमारे पास मैटर होता है कि हम इसे याद कैसे करें, कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स है और लिक्विडिटी इंडेक्स है, इनमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़े। तो याद करने के लिए देखिए, एक तो थी हमारी कंसिस्टेंसी इंडेक्स, एक है लिक्विडिटी इंडेक्स, और एक है हमारी प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। इसको डिनोट किया आईसी से, इसको आईएल से, इसको आईपी से। ये तो क्या रहता है, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच का एरिया, उसे हम क्या बोल देते हैं, हमारी प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अगर मुझे कंसिस्टेंसी इंडेक्स लेनी है
तो याद रखना सी सी के बाद आना है एल, ठीक है। सी एफ ऐसे याद कर लेना कि सी के बाद आएगा एल, तो सी के बाद आना चाहिए एल, तो पहले रखो डब्ल्यू एल को। हम जब भी बात करते हैं वेरी किसको कराते हैं, हमेशा नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट यानी कि डब्ल्यू को, नीचे आईपी ही रखना है दोनों केस में, ठीक है। डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी इधर, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी इधर, और इधर क्या हो जाएगा नेचुरल वाटर कंटेंट तो दिखाना ही है, तो डब्ल्यू और साथ में माइनस में क्या रखना है डब्ल्यू पी। और याद रखना जहां पर इधर एल है यानी कि इस आई एल में है तो ऊपर एल नहीं दिखाना हमें, और जिधर एल नहीं है वहां पर एल को रखना है, और हमें नेचुरल वाटर कंटेंट तो दोनों केसेस में बताना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद करने का तरीका है, हालांकि आपको जब चार पांच क्वेश्चन लगाएंगे इसके तो वैसे ही याद हो जाएगा ये। तो ये थी कंसिस्टेंसी, ये लिक्विडिटी इंडेक्स और ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, अ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल हैज अ वाटर कंटेंट ऑफ 20% इफ जी इज 2.6 द वॉइड रेशियो इज, ठीक है। तो वापिस वही क्या हो गया, फॉर्मूला लगाएंगे ES इक्वल टू WG, वॉइड रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। G की वैल्यू हमें दे रखी है 2.6, W की वैल्यू कितनी दे रखी है 20% में, रेशियो में करेंगे 0.20 हो जाएगी। S तो क्या है फुल्ली सैचुरेटेड है मतलब 100% यानी कि रेशियो में हो जाएगा 1। E की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा 26 into 2 52, 100 से डिवाइड करेंगे 0.52, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, द सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल इज गिवन बाय, कि सॉइल का सबमर्ज वेट कैसे दिया जाता है। तो मैंने आपको बताया था हमारा बॉयंट या फिर सबमर्ज वेट क्या होता है, सैचुरेटेड वेट में से जब यूनिट वेट ऑफ वाटर को माइनस कर दूंगा, और उसके बाद मैंने आपको गामा बल्क का बताया था कि बल्क डेंसिटी के लिए फिर बल्क यूनिट वेट के लिए आपको क्या याद रखना है, जी प्लस एस सी अपॉन 1 प्लस सी गामा डब्ल्यू, एक ही फॉर्मूला याद रखना है। जब हमारी ड्राई सॉइल होगी तब तो ये क्या हो जाएगा जीरो, मतलब गामा डी निकालना मुझे, ये टर्म पूरी जीरो होगी, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस सी। जब मुझे सैचुरेटेड यूनिट वेट निकालना है तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, मतलब 100% सैचुरेशन। तो इधर क्या हो जाएगा जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। इस तरह से सेम ही फॉर्मूला बस घुमा फिरा के हम उसे लिख देते हैं। अब हमसे क्या पूछा कि इसमें से गामा डब्ल्यू को माइनस करना है, तो ये वाला फॉर्मूला लेके उसमें से गामा डब्ल्यू को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जी प्लस ई, बाहर है गामा डब्ल्यू, नीचे है 1 प्लस ई, माइनस में गामा डब्ल्यू, पूरे करके क्या ले लिया एलसीएम, इधर 1 प्लस ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस ई से मल्टीप्लाई करने के बाद इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा गामा डब्ल्यू से 1, तो गामा डब्ल्यू इंटू 1 गामा डब्ल्यू रह जाएगा और ई गामा डब्ल्यू, ठीक है। और जब माइनस का साइन पूरे में अंदर खोलेंगे तब यहां भी माइनस हो जाएगा, तो इस वाली टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, जब इसको अंदर माइनस करेंगे तो ई गामा डब्ल्यू बनेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाहर आएगा जी गामा डब्ल्यू माइनस में गामा डब्ल्यू। तो वापिस हमने गामा डब्ल्यू को जब कॉमन लिया तब हमारे पास सबमर्ज वेट कितना आ जाएगा, जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। इसलिए कह रहा हूं आपको बार बार अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, एक ही फॉर्मूला याद कीजिए, जी प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, जिसमें जी तो क्या है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी, ई वॉइड रेशियो, यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ वाटर अगर आपको नहीं दे रखा तो 9.81 किलोलीटर पर मीटर क्यूब में मानेंगे, अगर किलोमीटर मीटर क्यूब में रखना है, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रखना है तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जब तक आपको कोई अलग वैल्यू नहीं दे रखी आपको ये दो ही अडॉप्ट करनी है यूनिट्स के हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर टी सी को हम टिक कर देंगे यहां पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, अ सोइल सैंपल ऑफ वेट सोइल हैज अ मास ऑफ 12 kg, ठीक है। ऑन ओवन ड्राइंग का मास रेड्यूसेस टू 10 kg, वाटर कंटेंट निकालना है, तो वाटर कंटेंट की डेफिनेशन के हिसाब से वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाय 100। हमें पता है सॉइल को हमने ओवन ड्राई किया तो उसके वेट में फर्क आया, 12 kg से क्या होगी वो 10 kg, तो मतलब कि जो 2 kg का डिफरेंस है यही क्या है वेट ऑफ वाटर ही तो है, तो ऊपर रखा 2 kg, नीचे वेट ऑफ सॉलिड कितना, ओवन ड्राई होने के बाद खाली सॉलिड का वेट बटा वेट बचा, ठीक है। तो 10 kg रखा मल्टीप्लाई बाय किया 100, 10 से 10 कैंसिल होगी, हमारे पास वाटर कंटेंट कितना आ गया 20%,
ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी को हम टिक कर देंगे। आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, द वॉइड रेशियो फॉर सैचुरेटेड सॉइल इज इक्वल टू डैश ऑफ वॉटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, कि वॉइड रेशियो ई है किसी सैचुरेटेड सॉइल, यानी कि जिसकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 या फिर 100% रहती है, ऐसी सॉइल के लिए वॉटर कंटेंट, वॉइड रेशियो और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। हमें पता है जनरल रिलेशन क्या होता है, ई इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। अगर ये 1 के बराबर है तो ई इंटू 1 बराबर ई हो जाएगा, ये डब्ल्यू इंटू जी के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ वॉटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हम ऑप्शन नंबर बी को यहां पर टिक कर देंगे। अगले और आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, द वॉइड रेशियो ऑफ ए सॉइल सैंपल हैविंग अ पोरोसिटी ऑफ 0.32 एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 25% विल बी। हमसे पूछा है ई वॉइड रेशियो दे रखा है हमें, पोरोसिटी यानी कि एन कितनी दे रखी है 0.32 और मॉइस्चर कंटेंट डब्ल्यू दे रखा है हमारे को 25%। ठीक है, पोरोसिटी क्या होती थी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब आपको मैंने पहले बताया था हमारे पास वॉइड रेशियो पोरोसिटी में एक रिलेशन रहता है, क्या आता है, पोरोसिटी बराबर ई अपॉन 1+E। इसी तरह से अगर वॉइड रेशियो क्या हो जाएगा, वॉइड रेशियो ई बराबर एन अपॉन 1-N। ठीक है, तो यहां से कैलकुलेट करेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है कि हमें वॉटर कंटेंट थोड़ा सा भटकाने के लिए दिया, या फिर हम लंबा मेथड लें, थोड़ा सा टाइम वेस्ट करें, क्योंकि यही होता है ऑब्जेक्टिव में, वहां पर हार्डवर्क नहीं, वहां स्मार्ट वर्क करना होता है। तो वही हमने यूज किया, एन को ऊपर 0.32, नीचे 1-N। तो अगर मैंने एक में से 0.32 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.68। ये ई की वैल्यू है, मल्टीप्लाई किया, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और इधर आ जाएगा 34, इधर वापस 8, और इधर कितना आ गया 17। तो जब 17 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 के आसपास इसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो 0.4 के हमारे पास एक ही ऑप्शन है, बी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 17 = 85 होता है, लेकिन ये 17 4 पे कुछ कटेगा, मतलब 0.4 के आसपास वैल्यू आनी चाहिए। तो 0.4 के आसपास की वैल्यू सिर्फ एक ही हमारे पास, तो यहां पर हम ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे, क्योंकि सबसे नजदीक वैल्यू यही है 0.47। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ सॉइल के क्वेश्चन। तो होप सो आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।